ओडिया हेल्थ टिप्स रे आपणकु स्वागत। आज मु आपणकु थायराइड समस्यार घरोई उपचार विषय रे बतेइबी। थायराइड रोग गोटे साइलेंट रोग अटे, जहाँ समय सहित धीरे धीरे गंभीर होइथाए। थायराइड रोगर चिकित्सा करिबा पूर्वरु एही रोग को भलसे बुझिबा निहाती जरूरी होइथाए। थायराइड गोटे ग्रंथि जहाँ आम गळारे रहिथाए। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन क्षरण करिथाए, जहाँ आम शरीरर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करिथाए। जदि एही थायराइड ग्रंथि आवश्यकता ठारू अधिक हार्मोन क्षरण करे, तेबे एही रोग को हाइपरथायरोइडिज्म कहुए। सेहीपरि जदि एही ग्रंथि कम हार्मोन क्षरण करे, तेबे यह को हाइपोथायरोइडिज्म कहुए। एही उभय प्रकार समस्या आम शरीर पई भल होई न थाए। थायराइड रोग हेबार प्राथमिक पर्याय रे यह किछि लक्षण देखाई थाए, जहाकू जानिबा परे शीघ्र चिकित्सा कले एही रोग मूलरू भल होई जाई थाए। थायराइड रोगर लक्षण केमिति जानिबे, यह विषय रे गोटे वीडियो मो चैनल रे अछि, आपण देखि पारिबे। थायराइड रोग हेले डाक्टर माने यार एलोपैथी उपाय रे चिकित्सा करि थांती, जहाँ सही समय पाई एही रोग को भल करि देई थाए, किंतु एही रोग को मूलरू शेष करि न थाए। आज मु आपणकु एमिति किछि घरै उपाय बतेइबी, जहाँ एही हाइपरथायरोइडिज्म समस्यारू सबो दिन पई आपणकु मुक्त करि देबो। प्रथमटी हेला धनिया पत्र, अदा, कंचा अमृतभंडा, हळदी एवं लेंबूर मिश्रणर सेवन। एही मिश्रण बनैबा पाई 2 ताटिया चोपा छड़ा होइतिबा कंचा अमृतभंडारे 1 चमच लेंबू रस एवं 1/2 चमच हळदी मिसान्तु। तापरे एथिरे 1 चमच अदा एवं 1 ताटिया धनिया पत्र मिसान्तु। एही सबु जिनिष को ग्राइंडर रे भलसे ग्राइंड करी यार जूस तैयारी करंतु। एही जूस रो सेवन सकाळे एवं संध्या रे करंतु। एही जूस रे प्रचुर परिमाण रे विटामिन ए एवं सी थाए, जहाँ हाइपरथायरोइडिज्म उपरे भल परिणाम देई थाए। द्वितीयटी हेला ब्रोकोली, पुदीना पत्र, अदा एवं गोलमरीच जूस रा सेवन। एही जूस बनैबा पाई प्रथमे ब्रोकोली को भलसे धोईकी 5 मिनिट पर्यंत गरम पानी रे फुटान्तु। तापरे 1 ताटिया ब्रोकोली रे 4-5टा पुदीना पत्र, 1 चमच अदा एवं 1 चुटकी गोलमरीच मिसाई यहाकू ग्राइंडर रे मिक्स करी यार जूस बनान्तु। एही जूस रा सेवन प्रतिदिन सकाळ और संध्या रे करंतु। एही जूस रे थिबा ब्रोकोली हाइपरथायरोइड समस्या को भल करिबारे बहुत लाभदायक होइथाए। तृतीयटी हेला आमला, त्रिफळार गुंड एवं महूर मिश्रणर सेवन। एही मिश्रण बनैबा पाई प्रथमे आमला को पतला करी काटी नियंतु। तापरे 1 चमच आमला रे 1 चमच त्रिफळार चूर्ण एवं 2 चमच महू मिसाई एक पेस्ट बनान्तु। एहार सेवन प्रतिदिन सकाळे और संध्या रे खाली पेटरे करंतु। जदि एहार सेवन 1 मासरू 2 मास लगातार करा जाए, तेबे थायराइड समस्या रे बहुत सुधार आसी थाए। चतुर्थटी हेला सोरिष साग, तुलसी, सालगम एवं लेंबू जूस रा सेवन। एही जूस बनैबा पाई 1 ताटिया सोरिष साग नेई एथिरे 5टा तुलसी पत्र, अधा सालगम पकाई एथिरे 1 चमच लेंबू रस मिसान्तु। एहाकू ग्राइंडर साहाय्य रे जूस बनान्तु। एही जूस रा सेवन दिन रे थरे करन्तु। जदि आपण सोरिष साग पाउ नाहांती, तेबे पाळंग साग मध्य नेई पारंती। एही जूस रा सेवन प्रतिदिन कले शरीर रा थायराइड लेवल पुणी नॉर्मल होई जाई थाए। बता जाई थिबा 4टी उपाय मध्यरु आपण जेकोसी गोटी को निज रूटीन रे शामिल करंतु। जदि आपण थायराइड समस्या रा एलोपैथी चिकित्सा करूछंती, तेबे ता सहित मध्य आपण घरे उपाय व्यवहार करी पारिबे। जदि आपणकु थायराइड समस्या थाए, तेबे समस्त घरे उपाय व्यतीत सबुज पनीपरिबा जेपरि फूलकोबी, बंधाकोबी, कलरा आदि रा सेवन करंतु। थायराइड समस्या को घरे उपाय रे ठीक करिबा पई आपण योगा मध्य करी पारिबे। योगा रे उज्जयी प्राणायाम कले यह थायराइड समस्या रे बहुत लाभदायक होई थाए। एही प्राणायाम करिबा पई प्रथमे लंबा प्रश्वास नियंतु, तापरे यहाकू 10 सेकेंड जाय अटकाई रखंतु। तापरे धीरे धीरे निश्वास छाड़ंतु। एमिति 5 मिनिट जाय करंतु। एहा थिला हाइपरथायरोइड समस्या रा घरे उपचार। एही भिडियोटी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। भिडियोटी पसंद आसिले याहाकू लाइक करंतु, आपणक सांगमानक सहित शेयर करंतु। एमिति हेल्थ रिलेटेड भिडियो देखिबा पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।